पूछते हैं जरा क्या प्लान है श्वेता आज का। आज मैं कहीं जा रही हूँ। ओके, और आप हमारे ब्लॉग में बने रहो, हम आपको भी दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। या आपके ब्लॉग में हमेशा सरप्राइज ही क्यों रहता है, कहाँ जा रहे चलेंगे हम, कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, रास्ते में बताते हुए चलेंगे। आधे रास्ते में वो वैसे ही पता चल जाता है हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं फिर भी डाउट तो रहता ही है ना, फाइनल डेस्टिनेशन तक मैं पहुँचे तो ठीक है। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे स्पेशल जगह है और आपको वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे फाइनली आपको देख के आपको भी एक पीस मिलेगा। एंड वो हम सब कुछ आगे दिखाएंगे आपको वीडियो में कैसे क्या रहता है करके, ठीक है आप बने रहिए हमारे साथ। अभी कराते हैं टैंकी फुल, उसके बाद चलते हैं। ये कौन सी जगह है? तो दोस्तों अभी स्वालिक पॉइंट, क्या ब्यूटीफुल पहाड़ियाँ हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, इस जगह का नाम है लेक घाटी, ये दुर्गा माँ का मंदिर है यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर बनाया है। अच्छा बस एक्सीडेंट के उससे रिगार्डिंग हुआ है 90 में। अच्छा उसके बाद ये स्थापित किया गया। अच्छा तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट होते थे, दुर्घटनाएँ होती थी, उसके रिगार्डिंग ये मंदिर स्थापित किया गया है। पंडित जी ने तो डिटेल बता दी है, लेकिन पंडित जी से भी बड़ी हमारे पास जानकार अभी हमारे पास अवेलेबल है, वो जो डिटेल बताएंगे। यहाँ तो क्या बता रही थी, तो ये है थलका ब्रिज, मेन ब्रिज, यहाँ से जाएंगे हम अंदर को, यहीं से वो रोड कटती है जहाँ पे हमें जाना है। ये नदी नीचे एंड ये है ब्रिज, ये है मेन रूट। तो दोस्तों आप देख सकते हो बहनों का मिलाप हो रहा है और दो भाई बहन मिलते हुए और रो भी रही है वो, हे भगवान हम उनको जंगल में छोड़ देंगे। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन गेट पे, देखना क्या ब्यूटीफुल बना है गेट। चलते हैं यहाँ से अंदर को और दिखाते हैं आपको। तो आप हमारे के गेट से अंदर को और ये है रास्ता। हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है और पहाड़ों में कुछ ऐसा मौसम चल रहा है। ऊपर को सर कैसा लग रहा है फाइनली, मतलब पहुंच के सुकून है, ये देख सकते हैं धारे दोस्तों, अरे हर टाइम बेहतर रहते हैं, हर समय बेहतर रहते हैं।
रानी का मेन मंदिर, बहुत ज़्यादा भीड़ है। मे बी मेरी आवाज़ भी क्लियर ना आ रही हो, पूजा के लिए बैठे बेसिकली। ये रहा माता रानी का मंदिर। ये पूरी परिक्रमा है मंदिर की, काफ़ी बड़ा प्रांगण है यहाँ पे मंदिर का। तो बेसिकली ऐसे घूम के आएंगे हम, यहाँ से घूम के आएंगे। डिटेल बता रहे थे आप कुछ, यहीं पे रहते होंगे ना बाबा जी? ये जो मंदिर का कुछ स्थापना, इसका कैसे बनाए, नाग की हमारी द्वारा बना है, ये माता रानी की अनुमति से बना है। अच्छा, ये मेन इसका बनने का उद्देश्य ये है कि जो काली नाग है, यमुना जी ने जब भगवान कृष्ण ने उनको मंथन किया था, तो उनको आदेश दिया था कि यहाँ से ले जाओ। काली नाग इतना विषैला नाग है कि वो जल में रहते थे तो पूरा जल जो है वो जहरीला हो जाता था। तो पशु पक्षी उसको पीते थे तो मर जाते थे, मृत हो जाते थे। तो भगवान कृष्ण का उद्देश्य यही था कि इनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ब्रज भूमि में पानी के जो है, यमुना जी जो है पानी का जो है मुख्य वो स्रोत था, तो लोगों को उससे लाभ नहीं मिलता था। तो कृष्ण भगवान ने उनको यहाँ से भेजा, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मैं तो आपके वाहन गरुड़ देवता से छिप करके रहता हूँ। अगर आप मुझे कहीं उचित स्थान बता दो जहाँ गरुड़ विचरण नहीं करेगा तो मैं चले जाऊँगा। अच्छा, तो यहाँ जो कुमाऊनी लैंग्वेज है उसमें इसको कालीनाग पर्वत कहते हैं। यहाँ से मेन मंदिर जो है वो 8 किलोमीटर ऊपर है कालीनाग। अच्छा, यहाँ से? जी, उसको कालीनाग पर्वत के नाम से जाना जाता है। माँ कोटगाड़ी की शरण में भगवान कालीनाग को भेजा था भगवान कृष्ण ने, क्योंकि उनको गरुड़ का भाई था। तो उन्होंने कहा जाओ तुम रमण द्वीप में, इसको शास्त्र में रमण द्वीप कहा गया है, यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है इसके विषय। काफी लोग रमण द्वीप में जाओ और वहाँ माँ जो है नाग माता के नाम से भी जानी जाती है कोटगाड़ी में, तुम उनकी शरण में जाओ और तुम इस गरुड़ के भय से मुक्त हो जाओगे और इस घाटी में गरुड़ विचरण नहीं करता। अच्छा, तो कालीनाग जो है माँ कोटगाड़ी के चरणों में आए, कोटगाड़ी मैया के चरण में आ करके वो अभय हो गए, मतलब जो है गरुड़ से उनका भय मुक्त हो गए। तो माता के जो शक्ति है वहाँ पर भी कालीनाग स्थापित है। अच्छा, और माँ को नाग माता भी कहा गया है, तभी से इसका नाम नाग माता भी पड़ा है। अच्छा, वैसे माँ का नाम कोकिला हुआ, कोकिला क्यों माँ का नाम पड़ा उसका भी जो लोगों को जानकारी नहीं है, वो केवल कोटगाड़ी ही कहते हैं। कोटगाड़ी जो है वो जगह का नाम है, माँ का नाम कालीनाग। वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, क्योंकि भगवान के 24 अवतार हुए हैं, उनमें एक अवतार जो है वो शेषा अवतार भी कहा गया, तो इसलिए नाग को विष्णु का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखिए शेयर करें और सभी पब्लिक को जो है भक्तों को जानकारी मिले। जो भी आए श्रद्धा से आए, श्रद्धा से आएंगे तो उसका विशेष महत्व है। थैंक यू, थैंक यू। तभी जो है आपको उसका फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, अभी आप एक यंत्र दिखाते हैं आपको, ये जस्ट एयर प्रेशर के लिए लाए हैं। ये इसलिए लाया गया है क्योंकि इस गाड़ी में जो बैठने वाला प्राणी है उसकी जो हाइट है, जो उसका वेट है, उससे स्कूटी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। 3 बार टायर पंचर हो चुका है, उस वजह से इमरजेंसी के लिए इसको लाया गया है। ये ज़रूरी रखें अगर आप इस तरीके के प्राणियों के साथ निकल रहे हैं तो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल।